हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 फिजिक्स। टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का सरलीकरण। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था ओम का नियम, ठीक है। इसके पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने थियोरी को पढ़ा था, जिसमें हमारा आया था ओम का नियम, आया था प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके विषय में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का सरलीक्रम, ठीक है। प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कैसे क्या होता है, ठीक है, कैसे धारा बहती है। तो ये देखिए, हमने तीन प्रतिरोध दिया। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के क्या पहले सिरे से हमने जोड़ा है, जो R1, R2 और R3 है, ठीक है। इसमें धारा I बह रही है क्योंकि यह श्रेणी क्रम में है, तो इसमें धारा क्या बहेगी, I ही बहेगी, धारा कहीं भी परिवर्तित नहीं होगी। तो I तो प्रत्येक सिरे पर, यानी जो ये प्रतिरोध है, प्रत्येक सिरे पर जो विभवांतर है वह क्या है, सभी जगहों पे अलग अलग है। देखिए, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 है। धारा के साथ देखिए प्रतिरोधों में विभवांतर क्या हो रही है, बदल रही है। धारा तो समान है मगर विभवांतर क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो दोस्तों, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस हम इसमें मेन टॉपिक को लिखते हैं, ठीक है। तो इनको हमने किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा थ्री लिखे, इसको पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। माना R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है। देखिए R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो धारा को रोकने का करता है, कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, इधर से धारा बह रही तो धारा को ये क्या करेंगे, रोकेंगे। इसमें हम कितने भी क्रम में जोड़े जा सकते हैं ये प्रतिरोध, R1, R2, R3, R4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, जितना आपका इच्छा करे उतना प्रतिरोध को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो माना R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ये देखिए किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, दिख रहा है आपको। और इसका जो है संबंध किससे कर दिया गया है, एक बैटरी से कर दी गई है, ठीक है। बैटरी में से क्या निकल रहा है, धारा बह रही है, जो सभी प्रतिरोधों में अलग अलग जा रही है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रतिरोधों को संयोजी कर बिंदु ए और बी के बी से, ठीक है, बिंदु ए और बी के सेल ई की सहायता से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, बिंदु ए, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिंदु ए ले लेते हैं और यहाँ पे बिंदु क्या ले लेते हैं, बी, ठीक है। बिंदु ए और बी के देखिए बैटरी किससे जोड़ दिया गया है, ई से, जिसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है दोस्तों। ई की सहायता से आई धारा प्रवाहित की जाती है। कौन सी धारा प्रवाहित की जा रही है, आई धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा हम आगे और लिख लेते हैं। यदि प्रतिरोध R1, R2 और R3 के बीच, ठीक है, के सिरों के बीच, किसके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः क्या V1, V2 और V3 हो, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से, ठीक है दोस्तों, ओम के नियम से V1 बराबर क्या होगा दोस्तों, V1 बराबर I R1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। अगला हम ले लेते हैं V2 बराबर क्या, I R2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं, V3 बराबर I R3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, थर्ड। ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, भी बराबर क्या होता है, I R होता है। अब देखिए दोस्तों, प्रतिरोध के प्रत्येक सिरे पर क्या है, विभवांतर अलग अलग है। जब विभवांतर अलग अलग है तो प्रतिरोध भी क्या है, अलग अलग जुड़े हुए हैं। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे V1 बराबर क्या, I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। हम ये समीकरण नंबर 1, 2, 3 इसको हमने मान लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लिख लेते हैं। यदि ए और बी के बीच विभवांतर भी हो तो, ठीक है, ए और बी के बीच विभवांतर क्या भी हो, भी बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या, V3।
ठीक है दोस्तों, आगे हम एक लाइन और पढ़ाते हैं। समीकरण समीकरण एक दो वह तीन से, ठीक है, भी वन भी टू भी थ्री का मान क्या करने पर, रखने पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। भी बराबर भी वन की वैल्यू क्या थी, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, यही था भी वन की वैल्यू, इतना थी भी टू की भी थ्री। अब देखिए दोस्तों, इन सब में कॉमन कुछ मिल रहा है, तो यहाँ भी बराबर क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस क्या आर थ्री, ये हमारा निकल के आ गया। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और लिखते हैं। यदि प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आर हो तो ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई इंटू आर, हमने पढ़ा है दोस्तों, भी बराबर आई इंटू आर। तो भी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, इस वाले समीकरण पे रखने पर। यहाँ मान लीजिए समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर चार है, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण चार में भी का मान रखने पर। तो भी का मान हम रख देते हैं समीकरण चार में। यहाँ पे हमारा समीकरण क्या था, यहाँ पे हमारा समीकरण चार है, तो समीकरण चार में हम भी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो वो भी की वैल्यू रखने पर तो यहाँ क्या होगा, आई आर बराबर आई कोष्टक में आर वन प्लस आर टू प्लस क्या आर थ्री, ये निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ से आई आई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा यहाँ क्या निकल के आएगा, आर बराबर निकल के आएगा आर वन प्लस आर टू और प्लस क्या आर थ्री निकल के आया। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमारा आ गया। ये हमारा क्या निकल के आया, यह हमारा श्रेणी क्रम निकल के आया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। अब ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, यहाँ पर निकल के आया, इसको हम लिख लेते हैं श्रेणी क्रम, क्या श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, योगफल के, देखिए ये प्रतिरोध के योगफल के क्या है, बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है, देखिए ये जो प्रतिरोध है, ये समस्त प्रतिरोध के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब दोस्तों यहाँ से आपका ये जो कक्षा 10 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा कैसे जाएगा, पूछा जाएगा R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। पूछा जाएगा कि R1, R2 तीन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का क्या करिए, व्यंजक ज्ञात करिए। तो दोस्तों अगर आप इतना कर देंगे तो आपको जो 7 नंबर मिलेंगे वो 7 नंबर के पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे तब क्या होगा, ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा समांतर क्रम प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन का हम वीडियो अपलोड कर देंगे। यदि आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप
जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आपको बहुत सरल और सटीक तरीके से बताते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।